तो बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है लोरी, और बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ नया ट्राई किया है, देखो कितना लोगों को पसंद आता है। सॉन्ग है भाई ये, और बहुत प्यारी चीज़ है ये। चैलेंज है हमारे लिए, आज थोड़ा धुंध थी तो लेट थोड़ा सा काम स्टार्ट हो रहा है। हमारा टारगेट था कि 7 बजे हम कैमरा रोल कर दें, लेकिन फिर भी लेट स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत जल्द एक बहुत प्यारे प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं। सपना मैडम कर रहे हैं इसको, और हमारी वही टीम है जो हमारी टीम है। तो भाई बहुत जल्दी बहुत प्यारे प्रोजेक्ट के साथ पहले लगाऊंगा, तो अच्छा कौन लगा प्रोजेक्ट देख के, हम बताइए कैसा लगा। तो बने रहो, जुड़े रहो लोरी। 3 दिन हो गए यहाँ पे घूमते हुए, चीज़ों को मैनेज करते हुए। सभी के लिए एक तरह से चैलेंज है, वेदर को देखते हुए एक चैलेंज है। अभी तक सन की कोई होप नज़र नहीं आ रही है, कितनी देर में दिखेगा कितनी में नहीं। प्रॉपर सनलाइट चाहिए, ध्यान कहीं और ही है भाई फिलहाल, तो बाद में बताना। अभी लिख रहे हैं तो ध्यान नहीं है इधर। जयराम जी की सबको। मैम आ जाओ। लोरी बढ़िया करनी है। बढ़िया डिटेलिंग बनाना है। डिटेलिंग बनाना है। आज मेरी मामा ने देख ले नु का गया थोड़ा काम करने लग गया। गणपति बप्पा बोरी बढ़िया। आसान भी रोलिंग एक बार फिर बच्चा है ना, लाइक साउंड नहीं सुनाई देता कि रो रहा है ना, तो मदर यू रिएक्ट करती है रो रहा है। फिर कन्फर्मेशन क्या होती है कि थोड़ा सा सुनती है और रो ही रहा है, ठीक है है ना, ये सही कर रहे थे आप। बेटा जब तक तो बुढ़ी हो लेगी मेरे दांत टूटेंगे। और यहाँ बड़ी हो जाएगी मेरे दांत टूट जाएगी। रोलिंग या रोलिंग एक्शन। खा लेन दे
सभी का शूट चल रहा है यहाँ पे। तो गांव है ये, राजस्थान का एक गांव है और बहुत जल्द आपको एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो अभी दोपहर के मतलब 2 बज चुके हैं और हमारा आधे से ज़्यादा शूट कंप्लीट हो चुका है भाई। तो अभी चेंजिंग है थोड़ी बहुत, लाइटिंग वगैरह सेट हो रही है। हरियाणा की नज़र में देखें तो आई थिंक सो जितना मैंने देखा ये पहली लोरी होगी और बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बड़े स्टार हैं, सपना चौधरी जी कर रहे हैं। और अगर ऐसे ऐसे लोग अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का कंटेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर जाने वाली बात है। आई होप अच्छा लगेगा सबको और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है आप दर्शकों का प्यार मिलेगा। बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ नया ट्राई किया है, देखो कितना लोगों को पसंद आता है। वैसे तो लोग बोलते रहते हैं कि कल्चर के लिए कुछ नहीं करते, कल्चर के लिए कुछ नहीं करते, जब करते हैं तो कल्चर के लिए देखते नहीं हैं। तो कोशिश की है, कुछ चीज़ें सुकून के लिए बनाई जाती है और इसे हम सुकून के लिए बना रहे हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर ये गाना दोबारा से कोई ट्राई करेगा तो भी नहीं बनेगा। तो बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है लोरी और बड़ा मज़ा आएगा, देखते हैं हरियाणवी कल्चर को बचाने वाले कितने लोग इसको शेयर करते हैं। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है, बाकी मज़ा। बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि जो लीड में है वो मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस हैं सपना चौधरी। और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि भी मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट संदीप सर ने दिया। पेमेंट आली बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है और इस तरह का सॉन्ग बहुत, मतलब साल में कभी कभी इस तरह के सॉन्ग आते हैं जो आपको इमोशनली अटैच कर देते हैं पब्लिक को। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। मोहन सर ने इनका जो म्यूजिक किया है लेट किया है वो हम सब मानते हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम किया है और बहुत ग्रेट सर, प्लीज़। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था और कहीं ना कहीं फीलिंग से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं इमोशनली हम सब अटैच हैं माँ के साथ। तो एक माँ और बेटे का इसके अंदर एक कंसेप्ट है जो संजीत सर ने लिखा बहुत अच्छा, उसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और ऊपर से सिमरन ने गाया भी बहुत अच्छा है। म्यूज़िक का इसके अंदर ये था कि हमने बस म्यूज़िक को एक फील के लिए, एक फीलिंग के लिए रखा उसके अंदर से और म्यूज़िक भी मिल के एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना इसका। और बस आप लोग देखिएगा और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट और ऊपर से सपना मैम कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा है, जो ये लोरी गाना शूट कर रहा है बहुत ही अच्छा है कि अगर सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जो छोटा बच्चा है ना वो सो नहीं रहा है और हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और उसके सोने का ही एक फाइनल शॉट बचा है और सब चाहते हैं चीज़ अच्छी बने। तो तमाम प्रोडक्शन छोटे बड़े सभी इसी इंतज़ार में कि वो कब सोए और कब हम अपना फाइनल टेक करके यहाँ से निकलें। लोरी भी सुनाई है, लोरी असर नहीं करी, सारा दिन से सुन रही है ना वो सुबह ठंड से शाम ठंड हो चुकी है, वही सुबह भी स्कीमर लगाया था, अभी भी स्कीमर लगाया, ऊपर देखिए देखो
मूनलाइट के लिए थोड़ा सा ब्लेजर दिया गया है, फिल देने के लिए टंगस्टन लाइट के लिए थोड़ी सी डिम दी गई है, और एक मूडी लाइट जो होती है दिन नाइट में, वैसा सीन क्रिएट किया गया। बस अभी रोल करने ही वाले थे कि संदेशा आया, बच्ची अभी भी जाग रही है, तो उसके लिए बस वेट कर रहे हैं। अभी पैकअप नहीं हुआ है, ये लास्ट शॉट रह गया है। एक घंटा तो हमने बच्चे के सोने का वेट किया है, कब सोएगा। पर बच्चे ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और लेकिन अभी पैकअप नहीं हुआ। मुझे तो ये भी बनानी नहीं आती, मैं तो लगी पड़ी हूँ, मेरे को लग रहा मैं किसी की उधेड़ दूँगी। वो बुढ़िया का मुंह ढकियो भाई। मैडम क्या हुआ अभी? मेरे पा गए हैं, मेरे पा गए। नहीं नहीं, अभी हुआ क्या है ये बताओ। ये है पैकअप। पैकअप हुआ है, हम सुबह 6 बजे शूट पे चालू हुए थे, और बड़ा मजा आया शूट करके, कुछ नया किया, बड़ा सुकून मिला मतलब करके। पैकअप हो गया है, और ये प्रोजेक्ट कब तक मैम? प्रोजेक्ट 20 जनवरी और या 25 जनवरी के बीच में हम कोई भी डेट रखेंगे, और होपफुली मन है कि 26 जनवरी को रिलीज करें, देखते हैं। देख लिखनिया ठीक है, बनानिया ठीक है, एडिटर ने लिखेंगे काट छटाना। आदमी समझते समझते पागल होगा, और फिर मेरा लास्ट में होगा रुपये लगाने वाली। मैं क्या बोलूं? आपने ये बोलना है कि संजीत सर वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन हरियाणा। मेरा तो बोलो, मैंने लिखा है। अरे संजीत ने लिखा है भाई, सबको पता है संजीत ने लिखा, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, तो हद है। अब मैं भी कहूंगी संजीत बोल मैं एक्टर हूँ। इस गाने में लीड तो संदीप सरोवर है, सेकंड लीड वो बच्चा है। ये हमारा एक बंदा है, ये गदाधारी भीम, अभी फिलहाल तो यही है जो मर मर के जी रहा है। ये कह रहा है कि मुझे कोई ऐसा रोल दिला दो जिसमें कि मेरा उद्धार हो जाए। साउथ इंडियन अन्ना हिला डाला वो वाला रोल चाहिए इसको, लेकिन मिल नहीं रहा है वैसा रोल। तो मैं गुजारिश करूंगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज एक रोल इसके लिए भी देखें। एक ऐसी महान शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, ऑन स्क्रीन आपने बहुत देखा है उनको, बहुत आप उनके बड़े फैन हैं, और सिंघम आपने मेल में देखा था आज तक, तो लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ प्रेजेंट लेडी सिंघम। मैडम लीड कर रही हैं, हमने प्रोड्यूस किया, हमारे पास पैसा ही पैसा, बोल ना, हमारे पास पैसा ही पैसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये। और सबसे खतरनाक इस वाले सीन में जो रोल है वो संजीत का है, सिर्फ सोने का।